यहाँ से जोर थांग जोर थांग। देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा ब्रिज है। देखिए तो है गाइस, मैं अभी हूँ फाइनली मल्ली में। ये रहा मल्ली का ब्रिज। अभी मैं फाइनली जाऊँगा आज जोर थांग, जहाँ पे है सागर भाई, उसको लेने के लिए। पीछे देख पा रहे हैं, ये है तिस्ता नदी है, और यहाँ से अभी हम लोग जोर थांग होते जाएंगे, इस रास्ता से होते हुए यहाँ सिक्किम घुसेंगे। और यहाँ से देखिए पहाड़ों का नज़ारा जो देखने के लिए बड़ा मस्त लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से जोर थांग फाइनल लिए निकलेंगे। तो आपको वीडियो में मेरा देखते रहिए, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग सिक्किम घुसने वाले हैं। ये है वेस्ट बंगाल और सिक्किम का बॉर्डर। अभी हम लोग थे मल्ली वेस्ट बंगाल, और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा जोरथांग के ओर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सिक्किम। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह हर एक चीज़ चेक किया जाता है, तो नंबर लिखा जाता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे जोरथांग। जोरथांग रंपू बड़ा। तो गाइस यहाँ पे अपना पुलिस सर सब था, वो लोग पूछ रहा था कहाँ जा रहा है, कहाँ से है। तो वही पूछ रहा था कहाँ जाना है। इसी रास्ता से होते हुए अभी हम लोग जाएंगे जोरथांग, और आपको दिखाएंगे थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा। तो देखिए गाइस आगे का जो रास्ता वगैरह है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो पहाड़ों में इस तरीक़ा से राइडिंग करने और जाने में बड़ा मज़ा लगता है। आप लोग भी आइए कभी पहाड़ में घूमने के लिए। जो लोग आए नहीं हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर आइए, सिक्किम ज़रूर विजिट कीजिए। और आप लोग यहाँ से मल्ली से होते हुए आप लोग नामची, पेलिंग, राबंगला, हर एक जगह इधर आप लोग घूम सकते हैं। शायद इसको साउथ सिक्किम बोला जाता है, तो यहाँ पे आप लोग आके घूम सकते हैं। और अभी तो फाइनली सिलीगुड़ी का जो मेन रास्ता है वो थोड़ा डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इधर भी बहुत जगह डैमेज है। तो यहाँ से नामची है आपका 31 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग रामपुर से होके भी नामची जा सकते हैं, हम लोग मल्ली से होके भी नामची जा सकते हैं, लाबांगला जा सकते हैं। तो हम लोग गए थे रामपुर से होके नामची, जहाँ पे चारधाम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ही मस्त का जगह है। अभी आपका श्रावण भी चल रहा है, तो श्रावण में आप लोग आ सकते हैं वहाँ पर नामची। बहुत ही सुंदर एक जगह है, और बहुत सारा जगह है ऐसा ऐसा कि घूमने का लायक का जगह है वहाँ पे। तो मेरा भी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो अभी मौसम भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक किसी को बीमार, बुखार, सर्दी जुखाम हो रहा है। तो मेरा भी थोड़ा सर्दी जुखाम है, तो फिर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि और एक हम लोग का भरत भाई था जो भी एक यूट्यूबर ही है, तो उनका थोड़ा बाइक का प्रॉब्लम है, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। तो नहीं तो आज मैं जाने वाला नहीं था। तो माय गॉड, वो रास्ता देखिए, रास्ता का इस रास्ता का कंडीशन क्या है। बीच बीच में ऐसे ही रास्ता मिलेगा, तो बीच बीच में हमें ऐसे ही रास्ता मिलेगा। और बीच बीच में थोड़ा अच्छा रास्ता भी मिलेगा। अभी हम लोग को जाते लगभग कितना किलोमीटर है सही से मुझे मालूम नहीं है, ऐसे ही 50-60 होगा यहाँ से जोरथांग। और जोरथांग में बीच बीच में भी बहुत सारा रास्ता ख़राब है। तो गाइस तो चलिए देखते हैं ना यहाँ पे, देखिए रास्ता का क्या कंडीशन था, यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है। तो इस तरीक़े से रास्ता हो चुका है। अभी बारिश का मौसम है, तो रास्ता इसी टाइप से जगह जगह में मिल जाएगा। और आगे का नज़ारा देखिए गाइस, तो पहाड़ों में देखिए नज़ारा क्या है, मतलब इतना सुंदर से है लग रहा है देखने में आगे।
यहाँ पे स्लाइडिंग जोन भी है ये, क्योंकि सामने बोर्ड लगा हुआ था पत्थर गिरने का, तो देख पा रहे हैं इतना यहाँ पे पूरा स्लाइडिंग जोन ही है। तो अभी हम लोग का सामने एक ब्रिज आएगा, तो देखिएगा ऐसे ब्रिज अभी भी है। मुझे कम से कम बहुत हम लोग को ज़्यादा दूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जोरथांग उधर से सागर भाई आएगा तो उसको इधर से लेके इधर आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीका से टर्निंग वगैरह है यहाँ पे, देखिए खाली पत्थर गिरा हुआ है, खाली पत्थर गिरा हुआ है, जगह जगह में खाली ऐसे स्लाइडिंग जोन है इधर। तो आगे का भी रास्ता बहुत ख़राब है, तो चलते हैं। देखिए खाली स्लाइडिंग जोन, क्योंकि मेरे आप सबों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग बरसात के दिन में इधर घूमने के लिए ना आए। तो NH 710 है ये, तो NH 710 देखिए गाइस इस तरीका से रोड है NH 710। तो क्योंकि बहुत खाली स्लाइडिंग जोन है NH 710 गाइस, खाली स्लाइडिंग जोन है। यहाँ पे भी देखिए गाइस, देखिए रास्ता का कंडीशन देखिए, आगे भी इसी तरीके से रास्ता का कंडीशन मिलेगा और भी। ओ, 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 ओ। देखिए हर एक जगह में स्लाइडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है ना पहाड़ का एकदम मिट्टी है, मिट्टी थोड़ा सा भी बारिश होगा तो ये गिर जाएगा यहाँ। और यहाँ को पहाड़ों में ना कोई भरोसा नहीं है कब रास्ता आपका ब्लॉक हो जाएगा, फिलहाल बरसात के दिन में ना आइए, बरसात के बाद आप लोग आराम से आ सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में ही प्रॉब्लम करेगा। तो जो मेन मार्केट हम लोग अभी फाइनली पहुंच गया है, तो इसके बाद आपको जोरथांग का यहाँ पे एक ब्रिज मिलेगा जो कि मस्त का व्यू है, इतना अच्छा लगता है ब्रिज। और इधर है वन वे, तो चलते हैं ब्रिज की तरफ, उधर ही अपना सागर भाई उधर ही आएगा तो उधर ही रुकते हैं। तो देखिएगा इस जोरथांग का पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर घर वगैरह है। तो यह है जोरथांग सिक्किम, तो आप लोग जोरथांग से होते हुए आप लोग पेलिंग जो है स्काई वॉक कंचनजंगा वाटरफॉल्स ये सब घूम सकते हैं, जोरथांग से ही आपको जाना पड़ेगा अगर आप लोग जाते हैं पेलिंग स्काई वॉक देखने के लिए। तो फिर तो गाइस ये है जोरथांग का यहाँ पर टैक्सी स्टैंड, तो आप लोग को अगर सीआर गाड़ी में जाना है तो आपको पहले मल्ली से गाड़ी पकड़ना पड़ेगा जोरथांग के लिए, और जोरथांग से पकड़ना पड़ेगा आपको गेजिंग के लिए, तो उसके बाद ही आप लोग पेलिंग पहुँच पाएंगे तो जहाँ पे स्काई वॉक है जो कि शीशा का ब्रिज है वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए शीशा का ब्रिज जो हमारे सिक्किम में है। तो अभी हम लोग जोरथांग का जो है एक झूला वाला ब्रिज, तो ब्रिज की तरफ ही अभी हम लोग जाके रुकेंगे क्योंकि सागर भाई अभी तक पहुँचा नहीं है, तो अभी पहुँचने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है आने के लिए। देखिए गाइस इतना सुंदर से ब्रिज है यहाँ पे, मस्त का ब्रिज लग रहा है देखने में।
तो हम लोग किधर जाए ना, इधर जाए, देखते इधर ही जाके रुकते हैं। पता नहीं कहाँ पहुँचा, मुझे बाइक एक बार घुमाना पड़ेगा, तो देखते हैं कहाँ से घुमाया जाए। और पेट्रोल पंप में थोड़ा तेल डालते और इधर ही रुकते हैं। हम लोग पेट्रोल डाल चुके हैं सिक्किम में, 101 रुपया 50 पैसा जो यहाँ का तेल का रेट है। तो देख पा रहे हैं सीधा वाला जो रास्ता है वो आपका गेजिंग पेलिंग चला जाता है यहाँ से। तो हमें जाना है अभी राइट तरफ, ये रास्ता टा पेलिंग चल जाए, पेलिंग पेलिंग देखना स्काई वॉल का काचेर ब्रिज। तो देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा ब्रिज है, देखिए क्या मस्त का व्यू लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जोरथान से क्रॉस कर चुके हैं और जोरथान से अभी हम लोग फिर से फाइनली जा रहे हैं मल्ली की तरफ। और हमारा इस ब्लॉग आज का यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, तो आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोग बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और अच्छा रहिए।